सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। साइबर सिटी में सुरक्षित नहीं बेटियां, हर 3 दिन में एक मासूम के साथ होता है रेप या उत्पीड़न का मामला दर्ज। पिछले 8 महीनों में 100 से ज्यादा मामले दर्ज। हरियाणा के गुरुग्राम में महिलाओं की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं, जहां बीते 8 महीनों के दौरान 102 से ज्यादा यौन शोषण व उत्पीड़न के मामले दर्ज किए गए। इसका साफ मतलब है कि हर 3 दिन में एक बच्चे या बच्ची के साथ यौन शोषण या उत्पीड़न की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस की माने तो 2017 में ये आंकड़े 142 तक सीमित थे, लेकिन 2018 में सिर्फ 8 महीने के दौरान 102 मामले अभी तक दर्ज किए जा चुके हैं, जो अपने आप में बेहद चौंकाने वाली स्थिति बयां कर रहे हैं। गुरुग्राम में आज तक जो पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हुए हैं, लगभग 100 के करीब मुकदमे दर्ज हुए हैं, और जिनमें ज़्यादातर में गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और ज़्यादातर केसेस जो है लगभग 66 के करीब जो है न्यायालय में दिए जा चुके हैं, और 29 केसेस ऐसे हैं जो अभी अंडर ट्रायल चल रहे हैं, और कुछ एक केसेस में सच्चाई सामने नहीं आने पर कैंसिल किए जा चुके हैं। इनमें ज़्यादातर जो देखने में आया है उसके रिश्तेदार या अड़ोसी पड़ोसी ही या जानकार व्यक्ति ही मिले हैं जिनको गिरफ्तार किया गया। इसमें स्पेशल कोर्ट जो है डेजिग्नेटेड है, जो स्पीडी ट्रायल करती है, और जो इनके विटनेसेस हैं और जो केस की ट्रायल के दौरान जितने भी गवाह हैं सबके समनिंग टाइम टू टाइम करवाए जाकर और जल्दी से जल्दी इनकी ट्रायल पूरी करवाई जा। ये ज़्यादातर जो जानकार हैं वही होते हैं, और उन्हीं के आपस में एक दूसरे के घर में आने जाने से या बच्चियों के साथ इस तरह के जो है ना मामले सामने आ रहे हैं। वहीं इस मामले में मशहूर मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ब्रह्मदीप संधू की माने तो बच्चे ऐसे शातिरों का बेहद आसानी से शिकार हो जाते हैं। जी, मैं कहना चाहूँगा कि जो यौन शोषण है वो जो शोषित है और जो शोषण करने वाला है दोनों की मानसिकता कभी कभी प्रभाव आया होता है दोनों के अंदर। ऐसा पाया जाता है कि जो यौन शोषण करने वाले हैं उनकी मानसिकता विकृत भी होती है कभी कभी, और वो किसी केस में ऐसा भी पाया जाता है कि वो लोग परिवार के सदस्य होते हैं, और किसी केस में ऐसा पाया जाता है कि बच्चा अकेला मिला उस केस में ऐसा इस प्रकार से शोषण हुआ। इसी प्रकार से जो बच्चों के केस में जो शोषित हुआ है बच्चा उसके मन पर काफ़ी दुष्प्रभाव आता है, इसीलिए सरकार की ओर से काउंसलर रखे गए हैं जो कि बच्चों के केस में जो भी यौन शोषण के मामले आएंगे उनकी काउंसलिंग की जाएगी ताकि उनके मन पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव ना रहे। इसे एक तरीके से यही कहेंगे कि जैसे फर्स्ट एड दी जाती है ऐसे ही साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड का नाम दिया जा सकता है, जो कि तुरंत प्रभाव से बच्चे के साथ में शोषण हुआ उसे सपोर्ट दी जाए और उसे उसको उसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाए, उसका नाम उजागर ना हो कहीं पर भी, और साथ के अंदर उसे सपोर्ट साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिले, परिवार की तरफ से भी सपोर्ट मिले, समाज की तरफ से भी सपोर्ट मिले।